10 साल पहले बंबई में एक तूफान आया था। आधे बंबई को अपने नक्शे से मिटा दिया था। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम हैं, इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर के टेंशन खत्म। वजन लगभग 900 किलो, क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 क्रोर्स अप्रॉक्स। लेकिन तलवार से कटे हुए लोगों का आज तक कोई भी तूफान नहीं मिटा पाया। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार हैं बॉलीवुड के चर्चों में आने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि जून जुलाई के महीने के आसपास बॉबी देओल आने वाले हम सभी फैंस को एक काफी जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में हम सभी को नजर, जिसमें बॉबी देओल अपने करियर में पहली बार किसी फिल्म में एक जासूस के किरदार को निभाते हुए नजर आएंगे, जो काफी अलग अंदाज में मर्डर मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करते हुए नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये फिल्म का नाम श्लोक होने वाला है, और अगर आप बॉबी देओल के सच्चे फैन हैं तो आपने जरूर इस मूवी के बारे में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। आपको बता दें, अब जो ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट्स इस मूवी को लेकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस मूवी के मेकर्स अब जल्दी बॉबी देओल के फैंस के साथ इस मूवी के कई सारे पोस्टर्स और इस मूवी का टीजर जल्द ही रिलीज करने वाले हैं, और इसलिए बॉबी देओल के फैंस के लिए आने वाले कुछ महीने काफी ज्यादा खास रहने वाले हैं। वहीं बात करें इस फिल्म की शूटिंग आखिरकार कब शुरू हुई थी, तो आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग साल 2023 में सितंबर के महीने में शुरू होकर खत्म भी हो चुकी थी। यानी कि आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा हुआ सारा ही काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और इसलिए बॉबी देओल के फैंस को उनकी अपकमिंग इस फिल्म से जल्दी कोई गुड न्यूज देखने और सुनने को मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों, क्या आप भी बॉबी देओल के लाखों करोड़ों फैंस में से एक हैं जो उनकी अपकमिंग फिल्म श्लोक द देसी शेरलॉक मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी बॉबी देओल की अपकमिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।